एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज के वीडियो में मैं कुछ स्पेशल शेयर करने वाली हूँ, कुछ टिप्स। मैं कुछ दिन पहले हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में एक वीडियो शेयर किया था, अपने वेट लॉस के पूरा वीडियो बनाया था मैंने उसमें। तो मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, जिनको भी थायराइड से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो वो मुझे मैसेजेस करते हैं। तो मैंने सोचा कि सबको एक एक मैं आंसर देने से अच्छा है कि मैं एक वीडियो बनाऊँ उसका। तो मुझसे किसी ने ये पूछा है, आप मेरे को नहीं हूँ एक्चुअली, उन्होंने मुझसे पूछा है कि आप थायराइड की मेडिसिन सुबह कैसे लेते हो। अब मुझे 15-20 साल से थायराइड है तो मुझे पता है कि मुझे समझ गया है कि थायराइड से कैसे लड़ना है। जिनको स्टार्टिंग का थायराइड होता है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि थायराइड हो गया मुझे, अब क्या होगा, मेरा बॉडी पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। तो काफ़ी लेडीज डर जाती हैं, पर थायराइड कुछ भी नहीं है, उसे बहुत ही नॉर्मली लेना चाहिए और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। थायराइड अगर हो भी गया है तो अपने बॉडी को समझो पहले कि क्या ज़रूरत है, और खाने से हमारे बॉडी को नुकसान होता है तो वो चीज़ हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। तो मुझसे किसी चांदनी अंसारी ने मुझसे ये पूछा था कि आप थायराइड की मेडिसिन कैसे लेती हो। तो मैं सुबह उठती हूँ, मेरा डेली उठने का टाइमिंग हमेशा जल्दी का ही होता है। अभी लॉकडाउन की वजह से मैं 6 बजे उठती हूँ, अदरवाइज मैं 5 बजे उठ जाती हूँ या तो 5 बजे से पहले। तो सुबह उठने का जो ये मेरा मॉर्निंग का जो रूटीन है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि टाइम पे उठोगे तो ब्रेकफास्ट टाइम पे होगा, लंच टाइम पे होगा और डिनर टाइम पे होगा, और इवनिंग जो स्नैक्स है वो भी टाइम पे होता है। और अगर सुबह की शुरुआत हम लेट करते हैं तो आगे का सब कुछ डिले हो जाता है और इसी वजह से हमारे बॉडी में प्रॉब्लम आती है। ये है स्पेशली वीडियो। मैं सुबह उठते ही, सपोज अगर मैं 6 बजे उठती हूँ तो मैं सुबह उठते पहले ही सबसे पहले थायराइड की मेडिसिन हाथ में लेके नॉर्मल पानी से थायराइड की मेडिसिन लेती हूँ। और तब तक उसके बाद मैं एक सिनेमन पाउडर और लेमन थोड़े से गर्म पानी में, सपोज 1 कप गर्म पानी कर लो, उसी के अंदर आपको सिनेमन पाउडर, 1 पिंच ऑफ सिनेमन पाउडर डालना है। और लेमन जो स्क्वीज करते हो ना, तो उसका जो उसके जो पूरा लेमन होता है, आधा या 1 पूरा आप डाल सकते हो, जैसे डालना है वैसे, वो पूरा लेमन आपको स्क्वीज करके वो उसी में डाल देना है, उसका जो स्किन होता है वो उसमें डाल देना है गर्म पानी में। उसके बाद उसको छन्नी से छान के वो पानी पी लेना है आपको, थोड़ा गुनगुना भी पी सकते हो, आपको जैसे अच्छा लगता है आप पी सकते हो। गर्म पानी ज़्यादा अच्छा रहता है तो वैसे भी पी सकते हो, थोड़ा ठंडा करने के बाद भी पी सकते हो। थायराइड की मेडिसिन लेने के 1/2 आवर के बाद आपको ये लेना है, तब तक आपको ये बना देना है पानी, तब तक ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद 1/2 आवर के बाद, ठीक 1/2 आवर के बाद ये सिनेमन पाउडर पानी लेने के बाद 1/2 आवर के बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा वाला करना है, बिस्किट और चाय नहीं, खारी या चाय नहीं, टोस्ट या बिस्किट, एकदम हैवी ब्रेकफास्ट करना है। जैसे कि मैं सुबह ब्रेकफास्ट में बेसन चीला, जिसके अंदर बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं, कैप्सिकम, कैरेट, अनियन, टमाटोज और जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल होती है मैं वो सब डालती हूँ। जितना हो सके उतना बेसन का क्वांटिटी कम रखती हूँ और वेजिस का ज़्यादा रखती हूँ। और अगर हमें बोर होता है एक ही एक खाने से मुझे, तो मैं खाती हूँ मेथी पालक का पराठा। अब मैं कैसे बनाती हूँ, मैं उसका एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ बहुत ही जल्दी। बहुत ही अच्छा है वो खाने में। पालक और मेथी का तो बेनिफिट आप सबको पता ही है। तो मैं मेथी और पालक को कटिंग स्मॉल इसमें कटिंग करके उसको अच्छे से वॉश करके, उसके अंदर 1 टेबलस्पून चने का आटा और 2-3 टेबलस्पून गेहूं का आटा, वीट फ्लार, और उसके अंदर थोड़ा सा नमक और चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़े से तिल। बहुत ही कम क्वांटिटी में मैं आटा लेती हूँ, ज़्यादा मेथी और पालक लेती हूँ, उससे मैं आटा गूंथती हूँ, पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो पराठा मैं एक छोटा सा बना के सुबह चाय के साथ खाती हूँ। मेरा ऑप्शन अल्टरनेट डेज का ये होता है, बेसन चीला या फिर ये मेथी पालक का पराठा। दूसरा मैं चाय खा रही या ये सब नहीं खाती बिल्कुल भी। इससे क्या होता है कि अगर हम हैवी ब्रेकफास्ट करेंगे तो हमें बीच बीच में भूख नहीं लगेगी, क्योंकि उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ इसीलिए। तो ये हो गया एक ब्रेकफास्ट। उसके बाद हमें 11, 11:30 या तो 10, 10:30 के करीब हमें कुछ तो एक ग्रीन टी ले लो आप, या तो फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लो या तो फ्रूट्स ले लो, उस बीच में आपको लेना है। लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में कुछ तो लेना है। इससे क्या होता है ना, हम थोड़ा थोड़ा अगर खाएंगे ना तो हैवी, मतलब एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी में हम नहीं खाएंगे लंच। अगर हम डायरेक्टली ब्रेकफास्ट से लंच में जाते हैं तो इतनी भूख लगती है कि हम ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेते हैं। तो इसमें थोड़ा ब्रेक करेंगे ना तो वो अच्छा रहेगा। फिर मैं आपको, ये तो बस मैंने आपको
एक छोटा सा वीडियो इसलिए बनाया था कि मुझे उनका आंसर देना था। मैं पूरा डाइट प्लान मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है अपना। थायराइड से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको तो प्लीज मुझे बताइए, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगी और हर एक क्वेश्चन के आंसर दूंगी, क्योंकि मुझे काफी सालों से थायराइड है तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उससे कैसे लड़ते हैं और काफी एक्सरसाइजेस। हरिमी अंसारी, आपको आपका आंसर मिल गया होगा, सॉरी। और अगर दूसरे कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको आंसर करूंगी। सो थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियो को ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।